भारत चीन तनातनी के बीच आखिरकार ट्रंप और पीएम मोदी की बात हो गई। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी उपयोगी बातचीत हुई है। हमने G7, COVID-19 और अन्य मुद्दों पर बात की है। भारत अमेरिका बातचीत की गंभीरता COVID-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था अहम होगी। अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को G7 में शामिल होने की बात की। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। G7 विकसित देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। ट्रंप के बयान से चीन को मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि बीजिंग के खिलाफ एक छोटा घेरा बनाने की कोशिश का विफल होना निश्चित है और ये कोशिश अलोकप्रिय हो जाएगी। ताइवान, हांगकांग से लेकर भारत तक दबंगई दिखा रहे चीन को पूरी दुनिया कोस रही है। वहीं भारत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे चीन को अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने तनाव को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है। ऐसा काम दबदबा कायम करने वाली सरकारें करती हैं। हमने देखा है कि आज भी चीन अपनी फौज को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ा रहा है। इस तरह के काम निरंकुश सरकारें अपने असल प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती हैं। इस बीच जानकारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के दखल के प्रस्ताव को खारिज कर बिल्कुल सही फैसला किया, लेकिन भारत के समर्थन में अमेरिका के बयानों का स्वागत होना चाहिए। उनके मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका से कई मायने में भारत को मदद मिल सकती है। कि अमेरिका हमें इंटेलिजेंस में काफ़ी मदद कर सकता है और इंडो पैसिफिक में काफ़ी मदद कर सकता है चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ, और अगर साउथ चाइना सी में वियतनाम के नज़दीक अगर हम ऑयल का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारी अमेरिका काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि भारत ने अपने दम पर चीन से निपट लेने का जो आत्मविश्वास दिखाया है उससे दुनिया के तमाम देशों की नज़र में उसका कद और बढ़ गया है। वहीं द्विपक्षीय बातचीत से मामला सुलझाने की बात कहकर उसने खुद को कई तरह के झमेले से भी दूर रखा है। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से अच्छी खबर आई है। फ्रांस ने भारत को भरोसा दिया है कि कोरोना संकट के बावजूद लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी टाइम पर होगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। COVID-19 की महामारी से पैदा हुए संकट के बावजूद फ्रांस ने भरोसा दिया है कि राफेल विमानों की डिलीवरी समय पर की जाएगी। पहली खेप के तौर पर 4 राफेल विमान जुलाई के आखिर में भारत को सौंप दिए जाएंगे। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अम्बाला में पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात होगा ताकि चीन को जबरदस्त जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली।